तैयारी, आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। देश में किसान आंदोलन 2.0 जारी है और ऐसे में किसान का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। किसानों और पुलिस में जमकर लठबाजी हो रही है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर लगातार तनाव की स्थिति है। पुलिस बैरिकेड के पास आ रहे आंदोलनकारी किसानों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान हर हाल में दिल्ली जाना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस किसी भी सूरत में किसानों को राज्य में घुसने नहीं देना चाहती। वहीं हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, ब्लैक एसएमएस, सभी डोंगल सेवाएं 15 फरवरी तक बंद कर दी गई हैं। किसानों के प्रदर्शन का गुरुवार यानी कि 15 फरवरी को तीसरा दिन है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच गुरुवार को चंडीगढ़ में शाम 5 बजे बातचीत होनी है। इन सबके बीच भारतीय किसान यूनियन उग्राहां गुट के किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। वहीं शुक्रवार 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर समिति को मिलाकर 26 संगठनों ने भारत बंद की कॉल की है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन इसमें शामिल रहेगी। दिन के समय भारत बंद के अलावा किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में मुख्य सड़कों पर बड़े पैमाने में चक्का जाम करेंगे। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने गुरुवार 15 फरवरी को 11 बजे आपात बैठक बुलाई थी और बैठक में केंद्रीय कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों के साथ हुई। इसमें अध्यक्षता गुरनाम चढ़ूनी ने की। बता दें कि दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर पुलिस ने सील किया हुआ है। पैदल जाने वालों के लिए पुलिस ने रास्ता छोड़ा हुआ था, लेकिन अब उस रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सिंघू बॉर्डर पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी गैस कटर के जरिए काटकर हटा दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया, अगर किसान सिंघू बॉर्डर आते हैं और दिल्ली पुलिस को टियर गैस का इस्तेमाल करना पड़े तो आंसू गैस के गोले उन बोर्ड पर टकराकर दिल्ली पुलिस के ऊपर ही ना गिर पड़े। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। इन सब के बीच गुरुवार को CBSE बोर्ड परीक्षाएं भी चालू हुई हैं और जिसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी में कहा गया कि परीक्षा देने वाले छात्र अपने घरों से जल्दी निकलें, जिससे उन्हें समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में आसानी हो। तो जाहिर तौर पर दिल्ली के आसपास इलाके, दिल्ली के बॉर्डर्स, इन सभी जगह किसान उग्र होते जा रहे हैं। पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम किए गए, कई जगह चक्का जाम की स्थिति है। 16 फरवरी के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, वहीं लगातार सरकार बातचीत कर हल निकालने की कोशिश कर रही है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।